सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज की शुरुआत करेंगे दोस्तों, उससे पहले आपके लिए दो शब्द कि दोस्तों आने वाले भविष्य में जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम का आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी एग्जाम्स आ रही हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर्स, बहुत सारी एग्जाम आपको एम्स में भी देखने को मिल रही है और अदर इंस्टीट्यूट में भी देखने को मिल रही है। तो मैं बोलूंगा कि कोई भी फॉर्म आपको नहीं छोड़ना है, सभी फॉर्म आपको अप्लाई करने हैं और टीएनसी के साथ बने रहिएगा। टीएनसी हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया करके दिखाती है और नया आपके लिए हमेशा लेके आती है। तो दोस्तों आज की क्लास की मैं शुरुआत करूंगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुछ सवालों के साथ। हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूं आज। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का होगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू आर एस 702 इन टू ईयर्स एंड आर एस 783 इन थ्री ईयर्स द रेट परसेंटेज इज पर एनुअम। दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि अमाउंट का हमको नहीं मालूम कि अमाउंट क्या है, लेकिन वह अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के साथ दो साल में कितना हो रहा है 702 रुपीज और तीन साल में हो रहा है 783 रुपीज द रेट परसेंटेज। दोस्तों क्या पूछा है कि रेट ऑफ परसेंटेज क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में भी इजी लग रहा है, लेकिन करेंगे तब पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है और क्या आंसर आएगा। दोस्तों आप मुझे यह बताना कि टू ईयर जो है उसका इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 702 रुपीज और थ्री ईयर का कितना दिया हुआ है, थ्री ईयर्स का दिया हुआ है 783 रुपीज। ये आपके सामने दिया हुआ है टू ईयर और थ्री ईयर। अब मुझे ये बताइए वन ईयर बराबर जब लिखेंगे कि इंटरेस्ट वन ईयर्स का क्या होगा, तो 783 माइनस 702 कर देंगे मतलब 81 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, 81 रुपीज आपका इंटरेस्ट कितने पे आ रहा है, वन ईयर पे आ रहा है। दो ईयर में अमाउंट हो रहा था इंटरेस्ट के साथ 702 और थ्री ईयर में हो रहा था अमाउंट 783। तो मुझे ये बताइए कि थ्री ईयर्स में इतना हो रहा था, टू ईयर्स में इतना हो रहा था, तो डिफरेंस कितने का आया वन ईयर में 81 रुपीज का। अब आपके सामने है कि वन ईयर बराबर 81 रुपीज, ये तो आपके सामने आ गया। अब आपको ज्ञात करना है कि द रेट परसेंटेज इज पर एनुअम। अब मुझे ये बताइए कि रेट परसेंटेज ज्ञात करनी है, तो एक साल में आपके पास 81 है तो दो साल में कितना हो जाएगा, इंटू टू कर दो, इंटू टू जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 162 रुपीज। कितने साल में, टू ईयर्स में इंटरेस्ट जो है ये क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा और जो आपको दिया हुआ है 702 वो क्या है, इंटरेस्ट के साथ टोटल अमाउंट है कि इंटरेस्ट प्लस अमाउंट है। अब मुझे ये बताइए कि आपके सामने इंटरेस्ट आ रहा है कितना 162 और टोटल रुपीज कितना आ रहा है 702, यही आ रहा है 702 टोटल रुपीज है टू ईयर में और इंटरेस्ट आपका टू ईयर में आ रहा है 162 रुपीज। तो आगे आपको परसेंटेज क्या पूछा है, रेट, रेट पूछा है रेट ऑफ परसेंट क्या है। तो अब 702 आपके सामने है टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट आपका था इसमें से 162, ये क्या कर दोगे दोस्तों, माइनस कर दोगे। जब ये माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 540 बच जाएगा। 540 रुपए आपका क्या है, प्रिंसिपल है। 540 आपके सामने प्रिंसिपल आ गया, इंटरेस्ट भी आपके सामने आ गया 162, टाइम भी आपके सामने आ गया टू ईयर। तो आपको पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, अप्लाई करने के लिए लगाते हैं फॉर्मूला कि आपका दिया हुआ है पी, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 540, तो लिख दो 540 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, इंटू टी टाइम कितना है टू ईयर अपॉन 100 बराबर में कितना आएगा दोस्तों 162, बराबर में कितना आएगा दोस्तों 162, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब ज्ञात करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक से एक चला गया, बिल्कुल चला गया एक से, तो यहां कितना बच गया, यहां 27 और यहां 5 यही बचेगा। अब आगे भी कैलकुलेट करके देख लेंगे तो ये हो गया कितना 54 आर बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वज्रगुणा से तो कितना आ जाएगा 0 का 0 31 और ये हो गया 810। तो आर बराबर है 810 अपॉन 54, ज्ञात कर लो कितनी आ गई, कितनी बार 30 बार डिवाइड हो गया, सॉरी
कितनी बार डिवाइड हुआ, 27 54 27 81 30/2 बराबर 15%। आपके क्या आया है 15%, कहीं दिख रहा है 15% को क्या लिख सकते हैं 0.15 लिख सकते हैं, 15% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 0.15 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट हमेशा हटाने के लिए इंटू इंटू क्या किया जाता है अट्टा में डिवाइड 100 से किया जाता है, तो डिवाइड 100 से करोगे तो 0.15, तो आपकी परसेंट रेट ऑफ पर एनम कितनी थी 15%, या बोल दो 0.15, या तो 15% बोल दो या 0.15 बोल दो। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट में दो साल में जो अमाउंट है वो हो रहा था 702, और 3 ईयर्स में अमाउंट हो रहा था कितना 783। तो 2 ईयर में हो रहा था 702 और 3 ईयर में हो रहा था 783, तो 1 ईयर का जो डिफरेंस है वह आ गया था आपके सामने 81। तो एक साल में ब्याज अगर मिल रहा है 81, तो दो साल में ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 162 रुपीज। दो साल का ब्याज आपके सामने है और टोटल ब्याज सहित अमाउंट आपके सामने है, तो टोटल प्रिंसिपल निकालेंगे तो 702 माइनस 162 बराबर 540। प्रिंसिपल आपके सामने 540 है, तो पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100 फॉर्मूला होता है, तो ये रख दो 540 इंटू आर इंटू समय है 2 ईयर अपॉन 100 बराबर है 700 बराबर कितना है 162 बराबर में लिख दो 162 अपॉन 1। तो इसको जब वज्र गुणा करोगे तो ये एक से एक गया, ये कितनी बार चला गया 27 बार, और ये कितनी बार 5 बार, ये हो गया 54 आर बराबर ये कितना जाएगा 5 × 10 बच गया 1, 6 × 5 = 30 रहे 31 और 5 × 3 = 810। जब आर बराबर निकालोगे तो 810 अपॉन 54 बराबर 15%, या तो 15% लिख दो या 0.15 लिख दो। समझ में आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से एग्जाम में आपको करना है। दिया हुआ था 2 ईयर 3 ईयर का, तो कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया। तो अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुष्पा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीता वाज 2 ईयर्स एगो, इफ डिफरेंस बिटवीन दियर एज इज 2 ईयर्स, हाउ ओल्ड इज पुष्पा टूडे। दोस्तों पुष्पा को टूडे पूछ रहा है कि आज पुष्पा कितने साल की है, दिया हुआ है पुष्पा इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब रीता की एज मान लो, रीता की जो एज है वो है एक्स, तो पुष्पा की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी 2x। ये तो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लिया कि रीता की एज जो है वो एक्स है, तो पुष्पा की एज क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि ये दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है इट डिफरेंस बिटवीन दियर एज इन 2 ईयर्स, तो दोस्तों 2 साल पहले इसने क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है, तो 2 साल पहले कितने का डिफरेंस था, इफ डिफरेंस बिटवीन दियर एज इन इज 2 ईयर्स, कि उसका डिफरेंस 2 साल पहले ट्वाइस में था, तो हाउ ओल्ड पुष्पा टूडे, की आज पुष्पा कितने साल की है यही पूछना चाह रहा है। तो क्या करेंगे, ये 2x है और ये x है। आगे दिया होता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला क्या बनेगा कि दिया हुआ है उसके अनुसार ही हम लोग लिख लेंगे कि 2 ईयर्स एगो, मतलब 2 ईयर्स पहले, 2 ईयर्स पहले क्या ले लेंगे, 2 साल पहले की एज ले रहे हैं, तो 2 साल पहले की एज लेंगे तो क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 साल पहले की एज आएगी तो क्या होगा, इसमें दिया हुआ है उसके अनुसार जब फर्स्ट अपन क्या बनाएंगे फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें आ जाएगा कि 2x जो है 2x इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे 2 ईयर्स पहले का, तो x प्लस का 2 ईयर्स पहले, मतलब उसकी भी प्रेजेंट एज देखेंगे तो आज 2 साल जुड़ जाएंगी, 2 साल पहले उसकी x मानी है तो आज 2 साल में जुड़ गई तो x प्लस का 2 हो गया, और बराबर में डिफरेंस कितना दे रखा है 2 ईयर्स का दे रखा है। ये आपके सामने फर्स्ट फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, तो इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, तो 2x माइनस ये इधर जाएगा तो ये x माइनस का हो जाएगा और वो भी माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 2, तो 2x में से माइनस x गया तो x माइनस 2 बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, x बराबर क्या आ गया दोस्तों 4 आ गया, और x बराबर तो आपने इसकी मानी थी और 2x आपने किसकी मानी है पुष्पा की मानी है, तो हाउ ओल्ड पुष्पा टूडे, की पुष्पा आज कितने साल की होगी, तो 2x कर दो तो x बराबर 4 है, तो 2 × 4 बराबर 8 ईयर्स। आपको कहीं दिख रहा है 8 ईयर्स, बिल्कुल दिख रहा है, बी बी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि पुष्पा है वो ट्वाइस है, दो दुगनी है रीता वाज टू इयर्स है, वो तो रीता जो है वो टू इयर्स पे कितनी है एक्स है, तो एक्स प्लस टू उसका आज हो जाएगा, ये ट्वाइस है तो टू एक्स है। जब इसको सोल्व करेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू ईयर का, तो टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू बराबर टू ईयर्स, जब समीकरण सोल्व किया तो एक्स बराबर चार आ गया। पुष्पा की एज है जो टू एक्स है, तो टू एक्स को जब सोल्व करेंगे तो दो गुणा चार बराबर आठ साल आपके सामने आंसर निकल के आया है। अगला क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज इफ वन इज कोडेड एज ए टू एज बी थ्री एज सी एंड सो ऑन, मतलब ए बराबर एक बी बराबर टू सी बराबर थ्री डी बराबर फोर ई बराबर फाइव, और ऐसा कब तक चलेगा, जब तक अल्फाबेट चलती रहेगी तब तक कंटिन्यूसली सतत चलता रहेगा। आगे दिया हुआ है कि एल ई एम ओ एन को क्या लिखेंगे, एल ई एम ओ एन, एल नंबर कितने पे आता है दोस्तों 12 पे, एल नंबर 12 पे, ई नंबर 5 पे, एम नंबर 13 पे, ओ नंबर 15 पे, एन नंबर 14 पे, देखो ऐसा कहीं लिखा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है कि अल्फाबेट में ए को एक बोलते हैं, बी को दो बोलते हैं, सी को थ्री बोलते हैं, डी को फोर, ई को फाइव, तो आगे एल ई एम एन को क्या बोलेंगे, वन टू फाइव वन थ्री वन फाइव वन फोर, कहीं दिख रहा है वन टू फाइव वन थ्री वन फाइव वन फोर, बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा दोस्तों, तो छाप लो ऐसे की ऐसे। क्या होता है अल्फाबेट की आपको क्रम संख्या दी हुई है और उसी क्रम संख्या में से आपको क्वेश्चन बना दिया, उसी क्रम संख्या में से आपको क्वेश्चन बना दिया और उसी क्रम संख्या में से क्वेश्चन बनाया, उसका आंसर भी आपके सामने निकल के आया है दोस्तों, तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज एंड सी इन 20 डेज, ए एंड सी वर्क टूगेदर फॉर 2 डेज एंड देन ए वाज रिप्लेस बाई बी इन हाउ मेनी डेज ऑल टूगेदर वाज द वर्क कंप्लीटेड। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए जो है एक काम को कितने दिन में 10 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को 15 डेज में कर रहा है, सी उसी काम को 20 डेज में कर रहा है, ए और सी साथ साथ में काम करते हैं कितने दिन के लिए, केवल 2 दिन के लिए, उसके बाद में ए भाग जाता है, रिप्लेस हो जाता है किसकी जगह, बी के, तो इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वाज द वर्क कंप्लीटेड, कि आगे वो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे, तो दोस्तों यूनिट लिख लो, यूनिट है काम की यूनिट मान लेते हैं 1, तो ए जो कर रहा है वो 1 अपॉन 10, बी जो कर रहा है वो कितने में कर रहा है, बी जो कर रहा है 1 अपॉन 15, और सी जो कर रहा है 1 अपॉन 20, यही कर रहा है। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनका आता है 60, एलसीएम कितना आता है दोस्तों 60, तो ए की यूनिट कितनी होगी, ए की यूनिट होगी 6 प्लस बी की यूनिट कितनी होगी 4 और सी की यूनिट 3, आपके सामने यूनिट दी हुई है 6 प्लस 4 प्लस 3, तो डायरेक्ट ऐसे जब भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो आपको यूनिट में से ही आंसर दे देना है। आपके सामने ए की यूनिट है 6 और बी की यूनिट है 4 और सी की यूनिट है 3, काम है आपका एक काम है और एक काम को ये 6 यूनिट में कर रहा है, ये 4 यूनिट में कर रहा है और ये 3 यूनिट में कर रहा है, तो आगे देखना होगा कि ए और सी कितने दिन साथ साथ काम करते हैं, 2 दिन, ए और सी कितने दिन काम करते हैं दोस्तों, 2 दिन काम करते हैं, तो ए की यूनिट है 6 और सी की यूनिट है 3 और बी की यूनिट है 4, तो ए की 6 है और सी की 3 है, मतलब 6 प्लस 3 कर लो और कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, तो 2 दिन काम 6 प्लस का 3 ये कर लिया आपने कि 2 दिन उन्होंने काम किया है, एक काम का 2 दिन ही उन्होंने काम किया है, तो 6 प्लस 3 उनकी यूनिट है, ए की 6 यूनिट है और बी की 3 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 बराबर 9, मतलब कि 9 यूनिट उन्होंने काम किया है, कितने दिन काम किया है, 2 दिन तक काम किया है, तो इंटू 2 में था तो ये 18 हो गया दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने आ गया। अब इन्होंने काम किया 18 यूनिट, मतलब टोटल 2 दिन में, एक दिन में कर रहे थे ये 9 यूनिट, तो 2 दिन में कितनी कर लेंगे, 18 यूनिट कर लेंगे, एक दिन में अगर 9 यूनिट कर रहे हैं तो 2 दिन में कितनी करेंगे, ये 18 यूनिट करेंगे, 2 दिन में 18 यूनिट की। इसी तरीके से आगे हम लोग देखेंगे, कौन सा देखेंगे कि ए किसकी जगह चला जाता है, बी की जगह चला जाता है, और कौन कौन आ जाता है, बी और सी आ जाते हैं, कौन कौन आ जाता है, बी और सी आ जाते हैं, तो ए और सी आ गया, तो ए और सी क्या करेंगे, अब आपकी 18 यूनिट यहां पे हो गई, ए और बी के द्वारा 18 यूनिट जब हो गई,
ए और सी के द्वारा, सॉरी ए और सी के द्वारा 18 यूनिट हो गई, तो रिमेनिंग यूनिट कितनी बची, 60 टोटल यूनिट थी, टोटल यूनिट आपके सामने आई थी 60, जब रिमेनिंग निकालेंगे तो 18 माइनस कर दो तो बची कितनी 42, 42 यूनिट कौन करेगा, बी और सी करेंगे, बी और सी करेंगे 40 यूनिट, जब 18 यूनिट दो दिन में हो रही है, 18 यूनिट कितने दिन में, दो दिन में हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बी और सी की यूनिट कितनी है 4 + 3, बी और सी कितनी है 4 + 3 मतलब 7 यूनिट है, 7 यूनिट कितने दिन में हो जाएगी 42/7 बराबर 6 डेज में, ये हो रही है 6 डेज में और वो हो रही थी 2 डेज में, तो 6 और 2 डेज टोटल वर्क आपको पूछा है कि वाज द वर्क कंप्लीटेड ऑल टुगेदर, मतलब सभी मिलके 6 + 2 बराबर 8 डेज, डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आया होगा आपके, अगर समझ में आया है तो मैं अगला क्वेश्चन लूं, चलो एक बार बता देता हूं आपको दोबारा से मैंने क्या किया है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका सोल्व किस तरीके से होगा कि आपका जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है 10 डेज में कर रहा है, बी है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है, एलसीएम ले लेंगे तो 1/10 प्लस का आपका 1/15 और प्लस का 1/20 एलसीएम आ गया, मतलब 60 आपकी यूनिट आ गई 60 यूनिट, और ए की हो गई कितनी 6 और बी की हो गई 4 और सी की हो गई 3, यही हो गई। अब दिया हुआ है ए और सी, ए और सी कितने दिन काम करते हैं, दो दिन काम करते हैं, दो दिन में काम करते हैं, तो दो दिन में उनकी यूनिट कितनी हो जाएगी, 2 × क्या कर दोगे 6 + 3 बराबर आपका आ गया 18, मतलब 18 यूनिट वो दो दिन में कर देंगे, 18 यूनिट उन्होंने अगर दो दिन में कर दी तो रिमेनिंग यूनिट कितनी है, रिमेनिंग हो जाएगी 60 - 18 बराबर 42 यूनिट, 42 यूनिट को कौन कर रहा है, बी और सी कर रहे हैं, तो बी और सी की यूनिट है 4 + 3 बराबर कितने दिन में 42 में, मतलब 7 × 42 तो कितने डेज में हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो बराबर 6 डेज में, 6 डेज में बी और सी कर रहे हैं और ए और सी कर रहे हैं 2 डेज, तो 6 + 2 बराबर 8 डेज कंप्लीट वर्क, डी बराबर आंसर आपका 8 डेज कंप्लीट। आया समझ में, अगर समझ में आया है तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन है कि एस सी डी टी ई एफ यू जी एच फिर दिया हुआ है डेज फिर डब्ल्यू के एल क्या आएगा, दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एस सी डी आगे लिखा है टी ई एफ आगे लिखा है यू जी एच आगे डैश दिया हुआ है फिर लिखा हुआ है डब्ल्यू के एल, दोस्तों एक चीज कॉमन आ रही है यहां पे सी डी फिर ई एफ जी एच तो आगे आ जाएगा आई जे और फिर के एल, ये तो समझ में आ गया। अब इधर देखो एस के बाद में टी, टी के बाद में यू, यू के बाद में वी और वी के बाद में डब्ल्यू, मतलब वी आई जे आपका आंसर निकल के आया है, सी सी इज करेक्ट आंसर, दोस्तों वी आई जे इज करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि लुक एट दिस सीरीज 80 फिर 10 फिर 70 फिर 15 फिर 60 फिर 20 और आगे आपको पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, तो दोस्तों मुझे ये बताओ 80 से देखो क्या बनाया है, 70 बनाया है, 80 से 70 बनाया है, 70 से 60 बनाया है, मतलब एक अक्षर छोड़ के कर रहे हैं, 60 से क्या बन जाएगा यहां पे 50 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू इस तरीके से, इधर 10 से 15 बनाया है, 15 से 20 बनाया है, तो 20 से 25 बन जाएगा, लेकिन अपना आंसर तो यही पूछ रहा है, ये कितना आया है दोस्तों 60 से 50 बन जाएगा ए, ए इज करेक्ट आंसर, दोस्तों यहां क्या आंसर जाएगा 50 आंसर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि इफ जी ओ गो बराबर 32 एस एच ई बराबर 49 देन एस ओ एम ई विल बी इक्वल टू, दोस्तों जी ओ को क्या लिखा है 32 लिखा है, एस एच ई को क्या लिखा है 49 लिखा है, अब हम लोगों को ज्ञात करना है कि जी ओ बराबर 32 कैसे होगा, जी ओ बराबर 32 कैसे होगा और ये 49 कैसे होगा, तो देखते हैं अल्फाबेट की क्रम संख्या में जी जो होता है वो नंबर कितने पे आता है, दोस्तों 7 पे आता है और ओ कितने पे आता है नंबर 15 पे आता है, जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो 15 और 7 कितना होता है 22 होता है, 32 नहीं हो रहा, तो लॉजिक दूसरा लगाएंगे कि अल्फाबेट में जी जो है उल्टे क्रम से कितनी संख्या पे आता है, उल्टे क्रम से जी आता है नंबर 20 पे, बिल्कुल वेरी गुड नंबर 20 पे, क्यों, क्योंकि मैंने अल्फाबेट का बताया था कि विपरीत क्रमगत संख्या आपस में कौन होती है, जी की विपरीत क्या होती है दोस्तों टी होती है, जीटी रोड के नाम से मैंने याद करवाया था कि जी की जो विपरीत क्रमगत संख्या होती है वो टी होती है, मतलब आगे से टी 20 पे है तो पीछे से जी भी 20 पे होगा, तो 20 नंबर पे जी हो गया। ओ जो होता है ओ का मैंने बताया था ओ का विपरीत क्या होता है एल होता है, जो लव में से निकल के आया था
एल ओ वी ई लव में से निकल के आया था ओ का विपरीत एल, तो ओ आगे से कितने पे होता है दोस्तों, ओ होता है नंबर, आगे से नंबर कितने पे दोस्तों, आगे से नंबर 15 पे होता है, तो एल भी नंबर पीछे से 15 पे होगा। अब मुझे ये बताए ओ आगे से 15 पे है तो एल आपका एल का विपरीत ले रहे हो, एल का विपरीत जब हम लोग ले रहे हैं, एल का विपरीत ले रहे हैं, ओ एल का विपरीत ले रहे हैं, तो एल नंबर 12 पे होता है तो ये भी 12 पे आएगा। तो 20 प्लस 12 एल कितने पे आता है 12 पे, तो ओ भी पीछे से कितनी क्रम संख्या पे आएगा, जब पीछे से जेड से काउंट करेंगे तो 12 पे आएगा, तो 20 और 12 कितना हो रहा है दोस्तों 32 हो रहा है। मतलब ये फॉर्मूला लग गया, विपरीत क्रमगत संख्या वाला फॉर्मूला लग गया। सेम एस एच ई, एस एच ई, एस एच ई की विपरीत क्या होती है एस, एस का विपरीत मैंने बताया था हम सफर एच होता है, और एच का विपरीत एस होता है, और ई का मतलब मैंने लव में से बताया था कि वी होता है, एल ओ वी ई जो वर्ड बताया था उसमें वी का विपरीत ई होता है और एल का विपरीत ओ होता है। तो एच एस वी, एच कितने पे आता है दोस्तों 8 पे आता है, एस कितने पे आता है शादी 19वें साल में, और वी विजेता 22 साल में, तो इनको जोड़ दो कि 22 और 19 कितने होते हैं दोस्तों, 22 और 19 41 और प्लस 8 बराबर 49 आपका आ गया, सी बराबर भी 49 आ गया। तो आगे पूछा है एस ओ एम ई, एस ओ एम का विपरीत क्या आ जाएगा, एस का विपरीत मैंने बताया हम सफर से एच आ जाएगा, ओ का विपरीत मैंने बताया एल आ जाएगा, एम का विपरीत एन आ जाएगा, और ई का विपरीत क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, वो सॉरी वी आ जाएगा, एल ओ वी ई में से क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो एच एल एन वी का लिख लो, एच होता है 8 पे, एल होता है 12 पे, एन होता है नंबर 14 पे, और वी होता है 22 पे, यही होता है। तो इसको आंसर याद कर लो, 12 और 8 20 12 और 8 20 20 20 20 40 40 और 42 42 और 4 46 56 आपको 56 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ए में दिख रहा है, तो आपका आंसर भी निकल के आ गया, 56 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अल्फाबेट में से इसी तरीके से घुमा घुमा के एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं, घुमा घुमा के एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं, और आपको इसी तरीके से आपका रीजनिंग आंसर देना है, माइंड का यूज करना है, और माइंड का यूज करते हुए आपको आंसर देना है। किस तरीके से आंसर दोगे दोस्तों, इसी तरीके से आंसर दोगे। आपका आंसर क्या निकल गया है, 56 निकल के आया है, 56 आपका करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 44 दोस्तों, 100 नंबर्स का एवरेज है 44, तो नंबर्स कितना हो गया 4400 मतलब 4400 आपके नंबर हो गए। आगे दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ दीज 100 नंबर्स एंड फोर अदर न्यू नंबर्स इज 50 मतलब 100 में 4 और जोड़ दिया तो 104 और 104 का एवरेज हो गया 50, तो टोटल नंबर कितने हो गए दोस्तों, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, जीरो का जीरो 500 के 20 बच गया, दो तो दो का दो और 5 एकम 5 5200। आगे दिया हुआ है द एवरेज ऑफ द फोर न्यू नंबर्स विल बी कि उन 4 नंबर्स का डिवाइड कितना होगा, एवरेज कितना होगा, तो 5200 104 का था और 100 का था 4400, जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 800। अब मुझे ये बताओ कि 4 जो टोटल नंबर हैं, 4 टोटल नंबर हैं 800, तो आपका एवरेज निकालेंगे तो 800 भाग 4 बराबर 200, एवरेज क्या आ जाएगा 200 आपका आंसर आ जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। कोई भी भाई आप 800 आंसर मत दे देना, 800 आंसर आपका गलत हो जाएगा, 800 नहीं आएगा, 800 इज क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। 200 कैसे आया कि आपके 4 जो टोटल नंबर हैं वो हैं 800, तो उनका एवरेज पूछा है कि द एवरेज ऑफ द फोर न्यू नंबर, तो फोर न्यू नंबर्स का जब आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज आपके सामने निकल के आया कितना 200 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया, अगर समझ में आया है तो मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि QAR, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, QAR, उसके बाद में दिया हुआ है RAS, उसके बाद में दिया हुआ है SAT और उसके बाद में दिया हुआ है TAU, यही दिया हुआ है, बिल्कुल यही दिया हुआ है QRST, मतलब सीक्वेंस बढ़ती हुई जा रही है। अगला अक्सर आपको पूछ रहा है सीक्वेंस बढ़ती हुई जा रही है, क्यू से आर बना, आर से एस और एस के बाद में टी, तो टी के बाद में क्या बन जाएगा यू बन जाएगा, यू लिख दिया। आगे सब में कॉमन आ रहा है ए ए ए ए, तो ए का ए लिख दिया। आगे आ रहा है आर के बाद में एस, एस के बाद में टी, टी के बाद में यू, यू के बाद में क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, यू ए वी जहां कहीं भी दिख रहा है मार दो, यू ए वी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा, तो मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं दोस्तों। समझ में आया, अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
कि ए मैन सेल्स ए कार, ए मैन सेल्स ए कार टू हिज फ्रेंड एट 10% लॉस। दोस्तों एक फ्रेंड है, उसने अपने फ्रेंड को कार बेची है कितने पे, 10% लॉस पे। इफ द फ्रेंड सेल्स इट फॉर आरएस 54,000, उस फ्रेंड ने भी उस कार को बेच दिया कितने में, 54,000 रुपए में, एंड गेन 20%, और उसने क्या किया 20% प्रॉफिट हासिल किया है। तो द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार वाज, तो आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है, सीपी ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस आप ज्ञात कैसे करोगे, पहले मान लो उसकी प्राइस कितनी है दोस्तों, एक्स है, उसकी एक्स प्राइस है, तो एक्स इंटू पहले कितने में बेचा, 10% लॉस में बेचा, 10% लॉस में बेचा मतलब 90/100। फिर उस फ्रेंड ने उसको 20% प्रॉफिट में बेचा मतलब 120/100, और बराबर में आपका पेमेंट कितना आया, 54,000 आया, बराबर में 54,000 आए हैं। यहां तक दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं इधर लिख लेता हूं, सीपी बराबर मैंने लिखा है 54,000, कॉस्ट प्राइस उसकी 54,000, सेलिंग प्राइस उसकी क्या है 54,000 है, तो 54,000 अगर सेलिंग प्राइस है तो 54,000 के बराबर में लिख लेंगे। एक्स इंटू पहले वाले ने बेचा था 10% लॉस पे तो 90/100, और दूसरे वाले ने बेचा था 20% प्रॉफिट में तो 120/100। अब ये पूछोगे कि 90 और 120 कहां से आए, दोस्तों हमेशा 100 लेके करते हैं, और जब 100 में से 10% लॉस होगा तो 90 होगा, और 100 में 20% प्रॉफिट होगा तो 120 होगा। तो 54,000 बराबर आपके सामने ये है, तो एक जीरो से एक जीरो और ये दोनों कट गया, आगे आपका कितना हो गया कि इसको वटा वन कर लो, तो जब ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 54,000 के दो जीरो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 में 108 एक्स, जब एक्स बराबर जब निकालेंगे तो 54,000 के दो जीरो अपॉन 108 जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये चला गया 54 दूनी, ये चला गया 50,000, कितनी बार चला गया 50,000 बार डिवाइड हो गया। डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, बहुत ही इजी और शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपका आंसर आएगा। जब जब आपको लाभ दिया हुआ हो, जब जब आपको प्रॉफिट दिया हुआ हो तो 100 में जोड़ देंगे, और जब जब माइनस दिया हुआ तो 100 में से माइनस कर देंगे, लेस हुआ है मतलब लॉस हुआ है तो माइनस कर देना, तो यहां 10% का लॉस हुआ तो माइनस कर दिया, 10% बराबर 90 आ गया, जब प्लस हुआ प्रॉफिट हुआ तो 20 का हुआ, तो 20% जब प्रॉफिट जोड़ा तो 120 हो गया। तो आपके सामने दोनों चीज से हमने, जब सेलिंग प्राइस आपके सामने दी हुई है, सेलिंग प्राइस 54,000 है, तो सेलिंग प्राइस से आप कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लोगे, तो सेलिंग प्राइस जब 54,000 थी तो कॉस्ट प्राइस आपके सामने क्या निकल गया, 50,000 निकल गया। ये लिख दिया x इंटू 90/100 × 120/100, तो x बराबर जब कैलकुलेट किया तो 50,000 आपके सामने आ गया, मतलब उन्होंने 50,000 रुपए में उसकी कॉस्ट प्राइस थी, और आपकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस उसको ज्ञात करनी थी दोस्तों। इसके उसने 90% के बाद मतलब 10% का लॉस लिया, उसके बाद में 20% का प्रॉफिट लिया, तो जब लास्ट की कैलकुलेशन 54,000 थी तो उसके अनुसार आंसर निकल गया है, 50,000 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक टैप ड्रिप्स एट ए रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकंड। दोस्तों एक ड्रॉप है वो 1 ड्रॉप पर सेकंड गिर रही है, एक सेकंड में कितनी ड्रॉप गिर रही है, एक ड्रॉप गिर रही है, एक सेकंड बराबर एक ड्रॉप गिर रही है। तो आगे दिया हुआ है कि 600 ड्रॉप में 100 ml, कि 600 ड्रॉप जब गिर जाती हैं तो 600 ड्रॉप का मतलब होता है 100 ml, 600 ड्रॉप का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100 ml होता है। आगे दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ लेटर वेस्ट इन 300 डेज, दोस्तों बहुत ज्यादा समय का पूछ लिया, मतलब 300 डेज में कितना वेस्ट हो जाएगा, कितनी ड्रॉप वेस्ट हो जाएंगी, मतलब कितना लीटर पानी वेस्ट हो जाएगा, यही पूछा है। तो एक सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही है, एक सेकंड बराबर एक ड्रॉप गिर रही है, तो मुझे ये बताओ कि एक घंटे में होती है 60 सेकंड, एक घंटे में कितनी होती है दोस्तों, एक मिनट में होती है 60 सेकंड, एक मिनट में 60 होती है, तो एक घंटे में कितनी हो जाएंगी, एक घंटे में कितनी हो जाएंगी दोस्तों, एक घंटे में हो जाएंगी 3600 हो जाएंगी, 60 × 60 = 3600, तो 24 आवर्स में कितनी हो जाएंगी, × 24 कर दो, यही करोगे × 24 करोगे तो एक दिन का आपको सेकंड पता लग जाएगा, एक दिन का आपको सेकंड पता लग जाएगा कि एक दिन में कितनी सेकंड होती है। कई भाइयों को तो याद भी होगा कि एक दिन बराबर कितनी सेकंड होती है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितनी मिनट होती है, तो एक दिन में कई दोस्तों बताना मुझे मिनट कितनी होती है, तो बहुत सारे लोगों को ये याद रहता है, लेकिन मान लो आपको अगर याद नहीं है तो कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, दो जीरो की दो जीरो आ जाएंगी, आगे जब करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों,
जब 36 को 36 को 24 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 864 मतलब एक दिन में आपके सामने कितनी सेकंड्स होंगी? 86,400 सेकंड होंगी, मतलब 86,400 ड्रॉप गिरेंगी। अगर 86,400 ड्रॉप गिरेंगी दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सेकंड में एक ड्रॉप गिर रही थी, तो एक दिन में 86,400 ड्रॉप गिरेंगी, एक दिन में 86,400 ड्रॉप गिरेंगी, तो 600 ड्रॉप का बराबर होता है 100 ml दिया हुआ है। 600 ड्रॉप बराबर 100 ml, या लिख लो कि 100 ml बराबर 600 ड्रॉप होता है, तो 1 ml बराबर कितना हो जाएगा? 600/100। और जब 86,400 ड्रॉप से करेंगे तो 86,400 से गुणा कर दो, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। जब इसको ये कैलकुलेशन करेंगे तो दो जीरो से दो जीरो ये चली गई, जब 864 को 600 से मल्टीप्लाई कर दो कि 864 को 600 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया दोस्तों? दो जीरो के दो जीरो आगे आपका क्या आ जाएगा? 6 चौके 24 बच गया, 2 6 6 36 और 2 38 बच गया, 3 और 51 यही आया। 518,400 और 300 दिन का पूछा है, 300 दिन का पूछा है, तो 300 दिन का जब कैलकुलेट करोगे तो 000 मतलब 40 ही देख लो आंसर में, 40 कहां आ रहा है? 43,20,000 आपका क्या आ जाएगा आंसर? आ जाएगा 43,20,000 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 43,20,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। जब कैलकुलेट करोगे मैथमेटिक्स तरीके से तो आपका कितना आ जाएगा? 43,20,000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली सोल्व करोगे तो आपके माइंड में होना चाहिए कि एक दिन में सेकंड कितनी होती है, एक दिन में सेकंड कितनी होती है दोस्तों? 1 day बराबर सेकंड होती है 86,400। अगर एक दिन में 1 day में 86,400 सेकंड होती है तो 86,400 ड्रॉप गिरेंगी, जब 86,400 ड्रॉप गिरेंगी तो 600 ड्रॉप बराबर 100 ml है, 600 ड्रॉप बराबर 100 ml है, मतलब 100 ml बराबर 600 ड्रॉप है, तो आपकी 600 ड्रॉप बराबर 100 ml लिया, तो 1 ड्रॉप बराबर 100/600। और जब इसको इंटू कर लोगे कितने से? 86,400 से, यही करोगे, 2 से 2 चला गया, तो ये आपका कैलकुलेशन करोगे, और जब इंटू कर दोगे 300 से, जब इंटू 300 से करोगे तो आ जाएगा 43,20,000 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द एवरेज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि द एवरेज एज ऑफ 8 टीचर्स इन ए स्कूल इज 40 years। दोस्तों 8 टीचर हैं, उनकी एवरेज एज दी हुई है 40, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? 332 years, टोटल एज 332 years है। आगे दिया हुआ है ए टीचर अमंग देम डेड हो गया एट द एज ऑफ 55 years, जो डेड हुआ उसकी एज थी 55 years। Whereas another teacher who has was 39, दोस्तों 55 years वाले की जगह आता है 39 years वाला, मतलब कितने साल कम का आता है? कितने साल कम का आता है? 5 में से 9 गए तो बचे कितने दोस्तों? 6, और यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 1, मतलब 16 साल कम उम्र का आता है, 16 साल कम उम्र का आता है। तो द एवरेज एज ऑफ द टीचर इन स्कूल नाउ इन, कि उसके बाद में उनकी एवरेज एज कितनी होगी, यही पूछ रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 320 हो रही थी, यहाँ पे 320 हो रही थी, तो 16 साल कम कर दो, 16 साल जब कम की, 16 साल कम का आ गया तो कितनी हो जाएगी? 304 हो जाएगी। अब 304 को डिवाइड कर दो 8 से, 304 को जब 8 से डिवाइड किया तो 8 थी 24 बच गए, 8 × 64 मतलब 38 सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था? कि एवरेज एज दी हुई थी 40, कितने लोगों की? 8 लोगों की, तो टोटल एज हो गई 320। और जब 55 साल की बच्चे की, 55 साल का एक आदमी था वो एक्सपायर कर गया, टीचर जब एक्सपायर कर गया तो उसकी जगह 39 इयर्स का आया, मतलब 16 साल कम का आया, तो माइनस 16 कर दिया तो 304 आ गया, वही 8 की डिवाइड कर देंगे तो 38 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 38 इयर्स हो जाएगी। चलो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का दोस्तों, आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है वह है कि CMM, क्या दिया हुआ है? CMM दिया हुआ है, उसके बाद में EOO दिया हुआ है, उसके बाद में GQQ दिया हुआ है, उसके बाद में पूछ रहा है, और उसके बाद में दिया हुआ है KUU। अब कॉमन चीज ये है कि देखो सी के बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, मतलब डी छूट रहा है, ई के बाद में एफ छूट रहा है, जी आ रहा है, जी के बाद में एच छूट जाएगा तो आई आ जाएगा, आई के बाद में जे छूट जाएगा तो
के आ जाएगा, मतलब पहला अक्षर क्या निकल के आया, आई निकल के आया है। आगे दिया हुआ एम एम, एम एम के बाद में एन एन छूट रहा है, ओ आ रहा है, ओ के बाद में पी पी छूट रहा है, क्यों क्यों आ रहा है, क्यों क्यों के बाद में आर आर छूट जाएगा, तो एस एस आ जाएगा, मतलब आई एस एस, फिर एस के बाद में टी टी छूट जाएगा और यूं यूं आ जाएगा, मतलब आई एस एस जहां कहीं दिख रहा है मार दो दोस्तों, आई एस एस इज करेक्ट आंसर। तो आज आपको अच्छे से आज की क्लास समझ में आई है, अगर आज की क्लास समझ में आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को पहुंचा देना। चलो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक वेट करते हैं अगली क्लास का दोस्तों।